नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दहेज नहीं मिलने के कारण पति ने पत्नी का गला दबाकर किया हत्या, मुजम्मिल अंसारी की रिपोर्ट। पूरे भारत में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। परंतु यहां पर तो दिन प्रतिदिन दहेज प्रथा का मामला बढ़ते ही जा रहा है। आज पूरे भारत में बेटियों की सुरक्षा एक चुनौती बनती जा रही है। आए दिन कोई ना कोई मामला, चाहे दहेज प्रथा की बात करें या बलात्कार की बात करें, तो यार रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या इसे रोकना संभव नहीं? आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अधौरा निवासी रानी कुमारी उर्फ ज्योति की शादी ग्राम रेजो गांव निवासी अनुज पासवान पिता धर्मदेव पासवान के साथ हुई थी। लड़की के परिजनों ने अपनी बेटी की शादी में अपने दामाद को उपहार स्वरूप 2.5 लाख रुपए नगद जेवर कपड़ा बर्तन कुल कीमत 3 लाख रुपए देकर उसे ससुराल विदा किया। परंतु शादी के बाद ही उनके ससुराल वालों ने ज्योति को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि हमें दहेज स्वरूप 25,000 रुपए तथा एक अपाची चाहिए थी, परंतु लड़की के परिजन के पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपने दामाद को 25,000 रुपए नगद एक अपाची गाड़ी भेंट कर सके। इस बात को लेकर लड़की के हमेशा परेशान किया जाता रहा था। मांग पूरी नहीं होने के कारण अनुज कुमार पासवान, धर्मदेव पासवान पिता स्वर्गीय भुवनेश्वर पासवान, सास निरावती देवी पत्नी धर्मदेव पासवान देवर, विपिन कुमार पासवान पिता धर्मदेव पासवान के द्वारा लड़की को मारपीट कर एवं गाली गलौज कर प्रताड़ित किया जाता रहा। अंत में रानी कुमारी और ज्योति के ससुराल वालों ने पूरे परिवार वालों के साथ मिलकर उनका गला दबाकर हत्या कर डाली। मैं अपने चैनल के माध्यम से एक ही बात पूछना चाहूंगा, क्या इस दुनिया में गरीब होना पाप है या बेटी के घर पैदा होना पाप है? क्या एक बेटी का बाप होना पाप है? ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए जिससे कि हमारे समाज की सारी बुराइयां खत्म हो। सूत्रों की माने तो ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का भी बताया जा रहा है। प्रशासन इस मामले को छानबीन कर आरोपितों की कानूनी कार्रवाई करेगी। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा कला गढ़वा में कक्षा नर्सरी से 10वीं तक छठ पूजा से पहले निःशुल्क एडमिशन कराएं। यहां पर बच्चों को रहने खाने एवं शिक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज़।